जैसा आप देख रहे हैं, मैंने ये यूज़ करने के लिए मैं रेडी हूँ। हम फ्लोर पे चलेंगे, प्लेन फ्लोर पे। आपको चल के दिखाता हूँ। देखिए, प्लेन फ्लोर पे बिल्कुल ही बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। मैं आराम से मूव भी कर सकता हूँ, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रिप अच्छी आ रही है। इस पर ग्रिप अच्छा है, हाथों पर बिल्कुल भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा चल सकते हैं आप प्लेन फ्लोर पे, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है ना आपको। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेज से उतरते टाइम इसका परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, मैं स्टेज से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। जी, उतरते वक्त दोस्तों ये इतना इतना शेक करता है, इतना इतना हिलता है ये, कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसको इस्तेमाल करते वक्त उतरने में। मैं मेरे को एक दो बार ऐसा लगा भी कि शायद मैं गिर जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा हिलता है ये प्रोडक्ट, इतना स्टेबल नहीं है जितना हमारे कन्वेंशनल क्रचेस होते हैं। जो ट्रेडिशनल क्रचेस हैं वो बिल्कुल स्टेडी रहते हैं, हिलते नहीं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये हिलेगा ही हिलेगा। तो ऐसे स्टेज उतरते वक्त आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो ग्राउंड का जो टच करता है पूरा का पूरा, जो पैरामीटर जितने भी दूर में ये ग्रिप करता है, वो भी थोड़ा रिस्की है। ये स्टेयर्स काफ़ी चौड़ा है, अगर देखें आप तो यह काफ़ी चौड़ा है, लेकिन फिर भी ये बहुत एज टू एज आ रहा है, यानी अगर थोड़ा सा भी आगे हुआ तो आप नीचे गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी रिस्की लगा मुझे, क्योंकि एक तो बहुत हिल रहा था ये, दूसरा एज भी पूरा कवर नहीं कर रहा है स्टेयर्स पे, जबकि काफ़ी काफ़ी चौड़ी स्टेयर्स है, तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उतरने में। दोस्तों अब मैं आपको स्टेयर्स चढ़ के दिखा रहा हूँ। मैं कुछ इस तरीके से स्टेयर्स चढ़ता हूँ। आप हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, हम डिफरेंटली एबल लोगों का चढ़ने का स्टेयर्स, तो मैं इस तरीके से स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मुझे वही सेम दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत हिलता है ये, ग्रिप आप जैसी रखते हैं तो बहुत हिलता है, अपने डिज़ाइन की वजह से हिलता है। ये कुशन देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि हाथ और शोल्डर्स पे कुशन ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, लेकिन इसके वजह से अगर ये बहुत हिलता है तो आपको गिरने का बहुत खतरा रहता है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगेन ग्राउंड क्लियरेंस में ही प्रॉब्लम है। देखिए आप, अभी मैं इस तरीके से मैं चढ़ता हूँ तो मेरे को तो ग्राउंड क्लियरेंस मिल पा रहा है, लेकिन जो सीधा चढ़ते हैं उनके लिए अगेन ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और ये स्किड होके अगर नहीं पहुँचता है प्रॉपर, ये टच करता है सरफेस को, तो आप गिर सकते हैं।